शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनेजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनेजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। और दोस्तों, कालका माता के दर्शन करने के बाद और अब हम आ चुके हैं भिंडी ऋषि की तपोभूमि भिंड, और भिंड शहर का ये प्रसिद्ध देवी मंदिर चत्थर ग्राम में हम मौजूद हैं, और चत्थर माता के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। और मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे भिंड के मेरे बचपन के मित्र कमल सिंह तोमर जी, और दिमनी में ये निवास करते हैं, अम्बा दिमनी में। और कमल भैया मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। कमल भैया ने पूरा सहयोग किया है कालका मंदिर के दर्शन कराने में और चत्थर देवी तक यहाँ तक लाने में। कमल भैया का बहुत बहुत सहयोग रहा हमारे कमल भाई का। कमल भैया, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम और आप यूट्यूब वगैरह? अच्छा लग रहा है, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, और आप घर बैठ के दर्शन भी करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हो, सभी मंदिरों के दर्शन करा रहे हो, ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। लोग घर बैठ के वैसे तो नहीं जा पाते, दर्शन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपने भी आई माता, मैंने भी दर्शन कर लिए आप लोगों के बहाने से, मैंने भी दर्शन कर लिए, वैसे मैं भी नहीं आ पाता था, अगर आप लोग आए तो मैंने सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, ये कार्यक्रम अरेंज करा के लोगों को दर्शन करा रहे हो, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग और चंबल संभाग के जो लोग जुड़े हुए हैं, 9 दिन 9 एपिसोड सभी ग्वालियर वासियों को दिखा रहे हैं और चंबल संभाग वासी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं ये कार्यक्रम। तो दोस्तों, कमल भैया हमारे साथ हैं, और चलिए अब इंतजार की घड़ी होती है ख़त्म और आपको दर्शन कराते हैं माँ चत्थर देवी और चत्थर ग्राम और भिंड का ये प्रसिद्ध देवी मंदिर, और मंदिर की क्या कहानी है, क्या कथा है, आपकी मुलाकात करवाता हूँ पंडित जी से और जानते हैं चत्थर माता की महिमा। और चत्थर माता को पेड़े बहुत पसंद है, आंटी जी यहाँ पर हैं जो पेड़े बना रही हैं। आंटी जी, पेड़े पसंद है माता को? प्रसाद में, प्रसाद में, हाँ प्रसाद में, बतासे, नारियल, पेड़े, बर्फी, हाँ। तो ये पेड़े आप देख रहे हैं, ये तैयार हो रहे हैं और सुबह सभी भक्त यही खरीदेंगे, क्योंकि ये कल अष्टमी है, अष्टमी पर हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं दर्शन करने के लिए। ये प्रसाद की दुकान है आंटी जी की, और चलिए आपको लेकर चलता हूँ माता के मंदिर में। और अभी इस वक्त आरती का समय हो चुका है और आरती चल रही है माता की।
ये आप सभी दर्शन कर रहे हैं छत्थर माता के, आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया रानी से। और भिंड की ये प्रसिद्ध देवी छत्थर ग्राम में मौजूद है छत्थर माता का ये मंदिर। और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया रानी से और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी मैया रानी। बोलो छत्थर वाली मैया की जय, जोर से बोलिए जय माता दी, जोर से बोलिए जय माता दी। ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया से और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी मैया रानी। और दोस्तों मेरे साथ में यहाँ के पुजारी जी फिरंगी सिंह अध्यक्ष साहब, छत्थर माता कमेटी के अध्यक्ष साहब फिरंगी सिंह तोमर जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले कई वर्षों से माँ की सेवा में लगे हुए हैं। तोमर साहब कितने वर्ष हो गए आपको माँ की सेवा करते हुए? जे माँ 1959 में पीछे तालाब मिट्टी खुदती थी उसमें निकली थी, उसमें निकली थी। जो यहाँ के भगत हैं रामधीन प्रजापत उनके द्वारा, इसके बाद सब लोगों के सहयोग से ट्रस्ट बना और हमसे पूर्व में भी काम करते रहे, हमें 15-20 साल हो गए इसमें काम करते। आपको 20 साल 20 वर्ष हो चुके हैं आपको? हाँ, कार्य करते हैं। तो माता की जो कहानी है वो कहानी और जो कथा है माता की वो हमारे सभी दर्शक और सभी चंबल संभागवासी जानना चाहेंगे माता की। तो अद्भुत, कौन सी अर्जी लेकर आते हैं सभी जो लोग अर्जी लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है यहाँ माता के। कई इंद्रे आए उनके पट गिरे हुए थे, ये खुले तब तो उनका चमत्कार हुआ है। पीछे इसमें तालाब था इसी में से निकली हैं, तालाब में से निकली, तालाब में से पीछे मिट्टी खोदते थे गांव के उस टाइम लिपने के लिए गांव वाले। तो उसी 1959 में, 1959 से हाँ यहाँ पे मंदिर, हाँ ताके बाद फिर यहाँ लोगों ने उठाए कर रखे, फिर यहाँ से उठी नहीं, फिर भीड़ होती गई तो बराबर वहाँ से आज तक उनकी विधिवत और जो भी जो निर्माण कार्य हुआ है जितना बनाया सब मंदिर माता की तरफ से ही। जो श्रद्धालु लोग यहाँ देते पेटी में दान में आते वो कमेटी इसमें लगाती है। मैया की महिमा अपरंपार है, माँ की महिमा तो जान ही नहीं सकता सही, पर माँ सबका भला करती है, सबका भला करती है, सबका भला करती है। बोलो छत्थर वाली मैया की। मेरे साथ में पुजारी जी मुकेश प्रजापति जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पुजारी जी कितने वर्ष हो गए आपको माँ की सेवा करते हुए? हमारे पहले पिताजी थे सरूदेव, सन 1959 की साल से वे पूजा कर रहे हैं। सन 1959 से आपके पिताजी जी पूजा कर रहे थे? पूजा कर रहे हैं। अब वे वृद्ध हैं थोड़ा तो हमको सहयोग पुजारी हम कर रहे हैं। आपको कितने लगभग वर्ष हो गए? 15 साल करे आपको 15 साल हो गए, उससे पहले पिताजी। मैं पिताजी से भी मिलवाना चाहूँगा आपको और आ चुके हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। रामदीन जी भगत जी प्रजापति जी मेरे साथ में हमारे साथ यहाँ पर भगत जी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे भगत जी का। और भगत जी द्वारा ये तालाब में जब मिट्टी खोदने जाते थे तब माता ने ये कैसे मिली थी वो कहाँ से जानना चाहूँगा? गुरपूनो अति साहब गुरपूनो यहाँ पीरा मट्टी खोदती सिवई खोदवे को आए अपनू आए खोदत में मट्टी में माता प्रकट भई। ये माता को उठाए कर हमने दूसरी जगह पे रखी, फिर दूसरी जगह से उठा करके एक काली के मंदिर पे ले जा रहे, फिर ये मूर्ति नहीं उठी, हम पे नहीं उठी और लोग वागन पे नहीं उठी। फिर जहाँ इसी शक्ति पैदा भई अंधन के आँखें खुली बच्चा पैदा भई वो आजू तक साहब बहुत प्रवास है यहाँ मेला लगता है हर सोमवार का और दूध दूनों के यहाँ जाति लोग आवते बिनको मैया सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे कुछ लोग अभी यहाँ हैं जो आके वास्तविक खुली हैं यहाँ गांव में, कुछ लोग अंधे थे तो उनको जो है माता की कृपा से जो है आँखें खुली आँखें खुली हैं। यानी कि आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं प्रोग्राम, दूर दराज के लोग भी देख रहे हैं, पूरे चंबल संभाग वासी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो सोमवार के सोमवार आना स्टार्ट कर दीजिए। और भिंड से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, भिंड से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, मानपुरा से 500 मीटर की दूरी पर
लेफ्ट हैंड पे अपन अगर लाहर चुंगी की तरफ से आएंगे मानपुरा क्रॉस होते ही 500 मीटर के बाद लेफ्ट हाथ पर चत्तर वाली माता का ये दरबार, ये ग्राम यहाँ पर आपको मिलेगा। और सोमवार के सोमवार अगर आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपकी मनोकामना कहीं पर नहीं पूरी हो पा रही है, पर आप सभी से कहना चाहूँगा एक बार आइए माँ के दरबार में और हाजिरी लगाइए और रोते रोते आइए और हंसते हंसते जाओगे जाओगे। जय हो माँ, जय हो माँ। पंडित जी एक आपके लिए भी है, एक ये अनेजा मॉल ग्वालियर का ये नंबर वन मॉल है, अनेजा मॉल की ओर से एक आपके लिए ये उपहार है, आप पकड़ लीजिए। और एक आपके लिए है शिवराज यादव जी की ओर से, जिला पंचायत सदस्य उनकी ओर से। और एक भगत जी एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल से। और एक आपके लिए इसमें वो डाल लेना चाबी छल्ला है, अच्छा है ना, अच्छा गले में पहन। और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, अच्छा एक आपके लिए है अनेजा मॉल ग्वालियर से। कहते हैं भगत जी से आती है आरती। ओम जय दुर्गे माता मैया, जय दुर्गे माता, आठ सहद नव निध बोध की तुम दाता। ओम जय दुर्गे माता, जो जन आवे दर्शन पावे, पन मन मंचत फल पाता, मनोकामना पूर्ण होवे, मन मंचत पावा। ओम जय दुर्गे माता, जो जन इच्छा कर रंभे की शरणागत आवे, मैया शरणागत आवे, मनोकामना सत्य होवे, मन मंचित पावे। ओम जय दुर्गे माता, को चढ़ावे धजा नारिया कुंदी फल ल्यावे, मैया कुंदी फल ल्यावे, को चढ़ावे भेंट को जन मन मंचित पावे। ओम जय दुर्गे ए माता, लेते सबही प्रसाद को खाली नहीं जाता, मैया खाली नहीं जाता, मनोकामना हो से फल मन मंचित पाता। ओम जय दुर्गे माता। नरणी मैया की जय, बोल चत्थर बारी मैया की जय, जय जय सीताराम, जय सीताराम। ठीक और आपकी जो भी मनोकामनाएं मांग लीजिए मैया रानी से, चत्थर वाली देवी भिंड का ये प्रसिद्ध मंदिर माँ का मंदिर। और अगर आपकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आइए सोमवार के दिन माँ के दरबार में और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करेंगी मैया रानी। बोलो चत्थर वाली मैया की जय। कि ग्वालियर मेला महोत्सव 4 मिलियन लोग देखते हैं और आज आपको भिंड मेला महोत्सव दिखा रहा हूं। और हमारे भैया मिल गए यहां पे कांजी बड़े वाले, यानी कि कांजी बड़ा, बड़ा ही शानदार कांजी बड़ा बनाते हैं और इनका कांजी बड़ा टेस्ट करते हैं। हमारे साथ में गोविंद पाल है हमारे कैमरामैन, क्या नाम है भैया अपना? अनुपा शर्मा। कहाँ के हो आप? मैं फूप का रहने वाला हूँ, भिंड में काम करता हूँ। भिंड में काम करते हो? जी। लमसम 25 साल से कर रहा हूँ मैं। 25 साल हो गए इनको कांजी बड़े खिलाते खिलाते। सिटी कोतवाली पे लगाता हूँ। सिटी कोतवाली पे लगती है? हाँ, सुबह 12 से 4 बजे तक। मतलब 25 सालों से कांजी बड़े खिला रहे हो? 25 साल से। 25 साल से सबके पेट का ख्याल रखे हुए हैं कांजी बड़ा खिलाकर। और
चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों भिंड का मेला, भिंड महोत्सव घूमते घूमते अब ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम आ चुकी है रंगमंच पर। ये मेला रंगमंच है और आज स्थानीय कवि सम्मेलन आज यहाँ पर रखा गया है कार्यक्रम, और पर डे के पर डे यहाँ पर भी कई सारे सेलिब्रिटी नाइट होती हैं। और मेरे साथ में अंजुम मनोहर जी, हास्य कवि, भिंड के प्रसिद्ध हास्य कवि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपका स्वागत करते हैं ग्वालियर मेला महोत्सव। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भिंड में जो आज स्थानीय कवि सम्मेलन रखा गया है, ये 67 वर्षों से लगातार हमारे यहाँ स्वर्गीय हरकिशन दास यादव भूता जी के नाम पर यहाँ पर व्यापार मेला ये एक महीने के लिए लगाया गया है। और यहाँ के सम्मानीय विधायक श्री संजू सिंह कुशवा जी, संजू के भाई के नेतृत्व में ये कार्यक्रम बाकायदा हो रहा है। और यहाँ से स्थानीय कवियों में लगभग हमारे ख्याल से 30-32 कवियों का यहाँ पर मान के अंशी उनका प्रस्तुतिकरण होगा। और ये अच्छा महोत्सव है और भिंड ये पहचान बनती है कि हमारे यहाँ स्वर्गीय हरकिशन दास यादव भूता जी के नाम पर जो व्यापार मेला लगाया जाता है, जिसमें पिछले बार भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, इस बार भी आज ही दंगल का कार्यक्रम हुआ, उसमें मान के अंशी दंगल का फाइनल हुआ है। तो आज से ही कार्यक्रम का शुभारम्भ है और कल माननीय आपके संजू सिंह कुशवा विधायक जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है जी। सर मुझे भी 11 वर्ष हो गए ग्वालियर का मेला कवरेज करते करते, जी पर आज मैं पहली बार भिंड आया हूँ, क्योंकि अब हमारा नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, तो हमारे मित्र कमल सिंह तोमर जी ने बोला चलो भिंड का मेला घूम कर आते हैं, जी पर मैं भी कला से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ हास्य रचनाएं हो जाए जी के ग्वालियर के दर्शक सुने, और हमारे भिंड के प्रसिद्ध कवि अंजुम मनोहर जी की कुछ हास्य रचनाएं। जी पहले तो ये है कि सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हमारे यहाँ जो नेता शब्द कहा जाता है, नेता तो सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, लेकिन आजकल के नेताओं की क्या स्थिति है, तब ये बात आपके बीच में कह रहा हूँ। ठीक है, से प्रतिपदा तक हम नवरात्र मनाते हैं, नेता शब्द के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी ने बिल्ली का जब दिया रास्ता काट, ये देखकर ही बिल्लियों की हो गई खड़ी खाट, हो गई खड़ी खाट, बिल्ली लगी सोचने, बदहाल जिंदगी पर लगी आंसू पहुँचने, और कहें अंजुम कविराय इनमें कौन विजेता, अब सगुनी है बिल्ली या फिर नेता। हमारे बीच में हमारे मित्र हैं, ये इनका नाम है सत्येंद्र सिंह कुशवा जी, जो हमारे बीच में एक और कोई ऐसी हास्य रचना और हो, अब हास्य रचना के लिए तो क्या है कि अंबार लगा हुआ है जी, तो क्या है कि ये देखिए माने कह जी हर चीज़ कलेक्शन पे चलती है, चंदू पे चंदा, तब कहते हैं कि चंदू ने चंदा किया चंद्रभान के नाम, और चंदू चंदा खा गया नहीं किया कुछ काम।